हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। मैं आपके लिए कुछ नए आइडियाज़ लेके आई हूँ, वो भी बिल्कुल कम बजट के अंदर, जिनको आप घर में पड़े हुए सामान से ही बना सकते हो। आपको मार्केट से कुछ भी परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम अपने आइडियाज़ को शुरू करते हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। सबसे पहले देखिए, हर किसी के घर में इस तरह की कांच की बोतल होती है। ये मेरा जो कॉफ़ी लेके आते हैं तो ये वही बोतल है। तो आज मैं इस बोतल को कुछ डेकोरेट कर रही हूँ ताकि मैं अपने यहाँ पर घर को डेकोरेट कर सकूँ। तो सबसे पहले इसको बिल्कुल हल्का सा डेकोरेशन कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर जो जूट की डोरी होती है, उस जूट की डोरी से जो ऊपर जो लिड वाला पोर्शन होता है, उस लिड वाले पोर्शन को हम जूट की डोरी से इसको कवर कर देंगे ताकि देखने में काफ़ी अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैंने इसको कवर कर दिया है और उसके बाद इसको फेविकोल से बिल्कुल इसका पॉइंट एंड कर देंगे। आप चाहो तो इसको सिंपल भी रख सकते हो और इस तरीके से डेकोरेट करना चाहते हो तो आप इसको डेकोरेट कर सकते हो, वरना जिस तरीके से मैं आपको ये आइडियाज आगे बताने वाली हूँ तो उसको आप सिंपल तरीके से भी अगर यूज़ करते हो बिना जूट की डोरी के, तब भी आपका ये वाला आइडिया काफ़ी अच्छा लगेगा। खासकर अगर आप दिवाली और के मौके पर अगर आप कोई कैंडल वगैरह परचेज नहीं करते हैं तब आप ये वाला आइडियाज़ आप यूज़ कर सकते हो। तो इसको मुझे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट ना रख के मैं इसको थोड़ा सा इसके अंदर पॉम्पम डाल के इसको कलरफुल बना रही हूँ। और साथ साथ में मैंने ये लाइटिंग मंगाई थी तो सोचा इस लाइटिंग को भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले लाइटिंग डालने का बिल्कुल भी विचार नहीं था, फिर बाद में इसमें थोड़ा सा बनाते बनाते आइडिया आया था कि अगर मैं लाइटिंग डाल दूँ तो ये कैसा लगेगा। तो देखिए, लाइटिंग से ये कलरफुल काफ़ी अच्छा लग रहा है। साथ साथ में मैंने कुछ इसमें लीव्स भी ऐड कर दिए ताकि ये दोनों लैम्प और एज ए पॉट दोनों का काम करे। आप चाहो तो इसको एज ए ट्रांसपेरेंट ओनली ये पॉम पॉम कोई मोती वगैरह डाल के सिर्फ आप इसको फ्लावर पॉट की तरह यूज़ कर सकते हो, और या फिर अगर आपको लैम्प की तरह यूज़ करना है जैसे दिवाली या कोई फेस्टिवल के अकॉर्डिंग, तो आप लीव को हटा के इसको एज ए इसको लैम्प की तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो जैसे आपकी इच्छा उनको यूज़ कीजिए। मैं इसको यहाँ पर एज जिस तरीके से मैंने आपके साथ शो किया है इसको वैसे ही मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ। उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पर ये लिड ली है, जो साबुन और लेके आते हैं ना ये उसी की लिड है। तो यहाँ पर उनके जो नीचे के बॉक्स थे उनको मैंने काफ़ी यूज़ कर लिया था और उनकी लिड मेरे पास बच गई थी, सोचा लिड को भी थोड़ा सा मैं यहाँ पर डेकोरेट करके इससे भी कुछ ना कुछ डेकोरेटिव आइटम बना लेते हैं। तो पहले मैंने इनको कलर कर लिया था। कलर करने के बाद इनको कुछ मिरर से मैं इस तरीके से डेकोरेट कर रही हूँ ताकि यहाँ पर ये देखने में थोड़ा अच्छा लगे। आपके पास जो डेकोरेटिव आइटम है आप वो यूज़ कर सकते हो, और अगर आपके पास इस तरह मिरर नहीं है और अगर आपको आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप इसके ऊपर कोई ड्रॉ करके या फिर कोई भी थॉट्स वगैरह लिख के भी आप इसको एज सेम पैटर्न की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो देखिए, मैंने इनको यहाँ पर डेकोरेट करके इस तरीके से वॉल पर लगा दिए हैं जो देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इस तरीके से आप अपनी वॉल को कलरफुल बना के आप कोई भी दिवाली पे या कोई भी फेस्टिवल पे या बिना आप फेस्टिवल के भी इनको डेकोरेट कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट आइडिया मेरा जींस के साथ है, मैंने यहाँ पर जींस का नीचे का पोर्शन निकाल लिया है और मैंने बिल्कुल छोटा सा ही पोर्शन निकाला है क्योंकि मुझे यहाँ पर ये मेरी बेटी के लिए बनाना था। तो उसने मुझे बोला था मम्मी छोटा सा पाउच बना के देना है मुझे, तो मैंने छोटा सा यहाँ पर कट किया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए इसको इस तरीके से रख के इसका मेजरमेंट ले लिया ताकि मैं राउंड शेप में कट कर सकूँ। तो यहाँ पर इसकी शेप को रखते हुए मैं यहाँ पर आप चाहे ऊपर की साइड या नीचे की साइड वाला कोई भी पोर्शन लेके इसमें आपको राउंड शेप में इसको कट कर लेना है। आप अगर नीचे से राउंड शेप नहीं रखना चाहते तो आप डायरेक्ट सीधा वो जो स्क्वायर बेड से होता है आप वैसा भी बना सकते हो, लेकिन मुझे राउंड बनाना था। तो फिर यहाँ पर देखिए इस तरीके से नीचे का जो पोर्शन है जहाँ से स्टिच नहीं हुआ हुआ वहाँ से हम क्या करेंगे इसको स्टिच कर देंगे। तो स्टिच करने से पहले मैं यहाँ पर पिनअप कर रही हूँ ताकि मुझे इसका मेजरमेंट पता लग जाएगा। अगर आपका थोड़ा बहुत जैसे लगता है आपको मैंने बड़ा कट कर लिया है तो आप इसको कट कर सकते हो। आप यहाँ पर मैंने पिनअप लगा के जहाँ जहाँ मैंने पिनअप लगाई है वहाँ वहाँ मैं इसको क्या करूँगी उस एरिया पे मुझे इसको स्टिच कर लेना है ताकि नीचे का पोर्शन पूरा कवर हो जाए। तो इसको हम पहले स्टिच कर लेते हैं। स्टिच कर लिया है, स्टिच करने के बाद अब इसको हम पलट कर सीधा कर लेते हैं। अब देखिए, आप चाहो तो एज ए इसको एज ऑर्गेनाइज़र की तरह ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, छोटा सा कोई
बाउल की तरह या कोई भी ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ कर सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पर बैग बनाना है तो मैंने यहाँ पर इनको फोल्ड करके हैंडल को रेडी कर लिया है। अब इन हैंडल को हम यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर आप चाहो तो स्टिक मशीन से लगाना चाहते हो आप मशीन से भी लगा सकते हो, वरना आप इसको स्टिक करना चाहो तो आप इसको स्टिक भी कर सकते हो। तो दूसरा हैंडल भी हम इसी तरीके से यहाँ पर लगा लेंगे। तो एक बार मैंने पिनअप किया है, चलिए इसको भी हम यहाँ पर पहले अच्छे से ग्लू या फिर सिलाई की हेल्प से इसको सेट कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर देखिए बैग बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। साथ साथ में मैंने यहाँ पर उसके लिए एक छोटा सा ऊपर फ्रंट में फ्लावर लगाया है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मुझे तो ये बैग खुद को काफ़ी अच्छा लग रहा था कि छोटा सा बैग बन के बिल्कुल रेडी है। आप चाहो तो सेम ऐसा बड़ा बैग भी बना सकते हो और यहाँ पर आप इसको एज ए टिफिन डालने के लिए या कोई भी अपने बच्चों को देने के लिए या पोटली बैग कैसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो आप जैसे इसको यूज़ करना चाहो आप वैसे इसको कर सकते हो। उसके बाद देखिए मैंने एक एक कैरी बैग ली है। कैरी बैग आपको ऐसी लेनी है जिसका यहाँ पर जो मेजरमेंट मैंने इसकी जो विथ है ना वो आपको कम रखनी है, और अगर आपकी विथ बहुत ज़्यादा है तो आप कटिंग करके वहाँ पर सिलाई लगा सकते हैं। उसके बाद आपको हैंडल वाले पार्ट को कट कर देना है, यानी जितना आपको बड़ा छोटा बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप कैरी बैग ले लीजिए या फिर उसके अकॉर्डिंग आप कैरी बैग को कट कर लीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर कैरी बैग ही लेनी है, आप चाहो तो कोई फैब्रिक भी ले सकते हो। लेकिन कैरी बैग मैंने इसलिए लिए ताकि मुझे कहीं भी सिलाई नहीं लगानी पड़ी, नहीं तो फैब्रिक को हमें तैयार करना पड़ता है। अब उसके बाद मेरे पास ये लेस पड़ी थी जिसको मैं यहाँ पर लाइन से वन बाय वन इस तरीके से पूरे कैरी बैग पे अरेंज कर दूंगी। तो अभी मैंने सिर्फ आपको ऐसे ही रख के बताई है, उसके बाद जैसे जैसे मैं इसको स्टिच करूँगी तो वैसे इसको लाइन से रख लूँगी। देखिए मैंने यहाँ पर पूरी कैरी बैग को इस लेस से कवर कर दिया है। अब हमें यहाँ पर इस तरीके से फोल्डिंग करके एक बैग की शेप देनी है। उसके बाद मैं यहाँ पर वेलक्रो का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो कोई बटन भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से वेलक्रो को अटैच करना है और वैसे ही ऊपर की साइड से वेलक्रो को अटैच करना है। तो आप ग्लू का यूज़ करते हो तो ग्लू से चिपका लीजिए, वरना आप यहाँ पर सिलाई भी लगा सकते हैं। तो मैं दोनों को यहाँ पे पिनअप कर रही हूँ ताकि ये हिले ना अपनी जगह से, और उसके बाद मैं इसको यहाँ पर चारों तरफ से इसको सिलाई कर दूँगी। तो आपको यहाँ पर दोनों इस तरीके से करना है। अगर ये वाला पोर्शन वेलक्रो अगर आप यूज़ करते हो तो पहले आप लेस से पहले ही लगा लेना, मैं भूल गई थी इसलिए इसको बाद में लगा रही हूँ। देखिए बाद में लगाने से क्या होता है कि इसमें सिलाई थोड़ी दिखाई देने लगती है, लेकिन मेरा सेम कलर था इसलिए दिखाई नहीं दिया। और साइड से भी मैंने दोनों साइड से भी मैंने सिलाई लगा ली है और हमारा देखिए एक पाउच बैग बन के बिल्कुल रेडी है। अब आप इसको अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो, ऐसे तो आप खुद इस तरीके से क्या कर सकते हो कि आप खुद पर्स अगर यूज़ करते हो तो अपने लिए, आप मार्केट वगैरह जाते हो तो पर्स यूज़ कर सकते हो। थोड़ा इसको डेकोरेटिव दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर एक फ्लावर का भी यूज़ किया है ताकि यहाँ पर हमारी सिलाई भी ना दिखे और थोड़ा सा ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लगे। आप चाहो तो इसको शगुन में, जैसे हम पैसे वगैरह देते हैं तो आप लिफाफे की जगह आप ये वाला पर्स भी दे सकते हो। आप अपनी जैसे कोई बेटी की शादी या कोई होती है तो वो रिटर्न गिफ्ट देते हैं सबको, तो आप यहाँ पर रिटर्न गिफ्ट की तरह भी दे सकते हो। जैसे आप इसको यूज़ करना चाहो अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। खासकर ऐसे पर्स आजकल रिटर्न गिफ्ट के तौर पर काफ़ी चल रहे हैं, या फिर शगुन में देने के लिए पैसे इसके लिए भी ये पर्स काफ़ी यूज हो रहे हैं। उसके बाद देखिए मेरे बच्चे का एक ही खिलौना था ड्रम, जिसकी ये रिंग थी तो ड्रम टूट गया था, तो मैं यहाँ पर इस रिंग का यूज़ कर रही हूँ। तो मेरे पास एक ही फैदर की लेस थी तो मैंने इसको यहाँ पर इसके ऊपर कवर कर दिया है। उसके बाद इस तरीके से इसमें स्टार का डिज़ाइन बनाते हुए फिर से मैंने इसको इस तरीके से इसके ऊपर फोल्ड कर दिया है। आपके पास ये फैदर वाली लेस नहीं है तो जो सिंपल हमारे पास ऊन होती है आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आपके पास मैक्रम थ्रेड है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। अब लास्ट में हमें यहाँ पर स्टार बनाने के बाद यहाँ पर मैंने नॉट लगा दिए ताकि ये डोरी बिल्कुल भी खुले ना, और जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड है हम इसको कट कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर सिंगल यहाँ पर ये ऊन लेनी है और मैं हाथ में इसको यहाँ पर कम से कम 10 से 15 बार, यानी आप 10 बार क्योंकि काफ़ी फुली भी होती है तो ज़्यादा आपको इसमें फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हम यहाँ पर फिर इसको कट करने के बाद एक छोटा सा टुकड़ा लेते हुए इस तरीके से सेंटर में हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे ताकि हमारा ये टसल बन के रेडी हो जाए। नॉट लगाने के बाद अब हम यहाँ पर जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको कट नहीं करेंगे, बस नीचे की तरफ हमें अच्छे से इसको सेट कर देना है।
तो जो कॉर्नर में छोटा सा थ्रेड था हमने उसको कट किया है, और जो लंबी वाली थ्रेड थी उसको हमने कट नहीं किया है। अब यहाँ पर जो टसल्स हैं इसको हम थोड़ा सा बराबर कर लेंगे, क्योंकि इसके जो थ्रेड है थोड़े ऊपर नीचे हो गए थे, तो इसको हम बिल्कुल बराबर अच्छे से यहाँ पर इसकी बेल्स बनाते हुए इसमें कट लगा लेंगे। तो नीचे में अच्छे से फिनिशिंग आ गई है। अब इसमें हमें थोड़ा सा इसको और डेकोरेट करना है, तो इसके अंदर मैं क्या करूँगी, नीडल की हेल्प से थोड़े से बीड्स को ऐड करूँगी। तो नीडल को मैंने डाल लिया है, और उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से जो बीड्स होती हैं इन बीड्स को आपको इसके अंदर डाल देना है। तो यहाँ पर पहले मुझे लगा बड़ी वाली नीडल के अंदर आ जाएगी, फिर देखा इसमें थोड़ा जो मेरी बीड्स है ना काफ़ी टाइट रह रही थी। अब देखिए इसके अंदर मैंने नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से बीड्स डाल लिए हैं। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा थोड़ा गैप के अंदर इस तरीके से इसको डेकोरेट करना है। यहाँ पर ये काफ़ी मोटी होती है, तो यहाँ पर जो बीड्स है बिल्कुल यहाँ पर जहाँ हम सेट करेंगे वहीं पर ये सेट हो जाएगी। तो ऐसे ही मैंने तीन बना लिए हैं, और इन तीनों को हमें इस तरीके से यहाँ पर इसमें नॉट लगाते हुए इसको ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ पर नॉट लगा रही हूँ, तो एक सेंटर में और दो यहाँ पर कॉर्नर में इस तरीके से सेट करना है, ताकि ये आपस में बिल्कुल बैलेंस इसका बराबर रहे। तो मैंने यहाँ पर इसमें तीनों को अच्छे से एडजस्ट कर दिया है, और उसके बाद हमारा यहाँ पर वैसे बनके रेडी है हो गया है। लेकिन आप चाहो तो इसको थोड़ा और डेकोरेट करना चाहते हो, तो आप जो हमने यहाँ पर स्टार बनाया था उन स्टार के ऊपर हम कुछ बीड्स और लगा देंगे, और जो इसकी रिंग है आप चाहो तो इसकी रिंग में भी कोई फ्लावर वगैरह ऐड करके इसको और अच्छा डेकोरेट बना सकते हो। लेकिन मेरे को ये इतना सिंपल लुक काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो आप बताना यहाँ पर इस रिंग से ये वाला जो डेकोरेटिव आइटम कैसा लगा। तो आज के आइडियाज़ मेरे यहीं पूरे होते हैं। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।